आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी क्लास थ्री का चैप्टर देखेंगे। तो हमारे जितने भी प्रतियोगिता भागी जो कमीशन के क्षेत्र से है, जो हमारे जितने भी प्रतियोगिता भागी है, सभी लोग यह सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज का फ़ायदा उठाएं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास सिक्स पे बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और यहां से आपकी तैयारी की जो रणनीति है वो सारी आपको जानकारियां दिया जाता है। तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वह बातचीत करेंगे तीसरे चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ के बारे में। और पृथ्वी की गति के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमने सौरमंडल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पृथ्वी के बारे में भी बताया, ग्रह के बारे में भी बताया, इससे पहले आपको बता दें ग्लोब के भी बारे में बताए हैं। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वह बात करेंगे तीसरे अध्याय पृथ्वी की गतियाँ के बारे में। तो सभी लोग यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और आगे की पॉइंट किधर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो अब पॉइंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग यह चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पृथ्वी की जो गति है वह दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार के, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी की गति दो प्रकार से होते हैं, एक घूर्णन गति से और दूसरा आपका परिक्रमण गति से। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है तो वह घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो वह घूर्णन कहलाते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर इस एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी जब गति करता है तो उस स्थिति को हम लोग परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है जो एक कक्षीय सतह के 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? कक्षीय समतल बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का जो आकार है, स्ट्रक्चर जो है, वह गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है और सूर्य की ओर वाले भाग दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो होता है सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। और ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है तो उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो दिन रात का जो विभाजित वृत्त करता है उसे प्रदीप्त वृत्त बोला जाता है। और ये वृत्त के साथ साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आपको चित्र 3.2 में देखने के लिए हम बताएंगे अभी आपको। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति से बोला जाता है। तो आगे आप समझाते हैं हम आपको 3.2 जो आपका पिक्चर होगा, 3.2 पिक्चर, उस पिक्चर के बारे में आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ इस पिक्चर को आप समझिएगा इस डायग्राम से। यह आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और यह आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो पृथ्वी से सूर्य की प्रकाश जो पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, तो ए वाले भाग पर क्या होता है सूर्य के, और आधे भाग पर तो इसका प्रकाश नहीं पड़ता है। तो जिस भाग पे प्रकाश पड़ता है उस भाग पे क्या होता है? दिन होता है। और जिस भाग पे प्रकाश नहीं पड़ता है वह भाग क्या होते हैं? रात होते हैं। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करें। और जो आपका रेखा होता है उस रेखा को हम लोग प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त।
तो ये आपके यही बात आपके 3.2 के चित्र है जो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंबवत जो यह पड़ रहा है, और ये आपका जो बताया कि उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी का कक्षीय भाग जो है विषुवत रेखा से जाती हुई मिल रही है, देख रहा है, ये आपका मकर रेखा हो गया, ये आपका विषुवत वृत्त हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया जो 66.5 डिग्री है, और ये आपका 23.5 डिग्री है। तो ये सब पॉइंट्स को आप समझिए और नोट करते चलिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर इस तरह से आपका जो पॉइंट है वह कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहेगा। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा, पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं किया तो जिस तरफ दिन हुआ उधर दिन ही हो जाएगा, और जिस तरफ रात हुआ उधर रात ही हो जाएगा। तो पृथ्वी जब घूर्णन करते रहते तब पृथ्वी के जिस भाग पे सूर्य की प्रकाश पड़ती है वह भाग पे दिन होता है, और जिस भाग पे रोशनी नहीं जाती है तो उसके आधे भाग के इधर क्या होती है, रात होती है। तो पृथ्वी घूर्णन करते रहती है, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग हमेशा दिन होगा, जिसके कारण यह भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, और पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगती है, और हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे में नहीं जोड़ते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट जो है आपका 365 दिन जो है आपका क्लियर हुआ। आगे अब हम लोग इस डायग्राम को समझिए और कोशिश कीजिए कि इस पॉइंट का आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध जो है आपका ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध आपका ग्रीष्म ऋतु है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और यहाँ सूर्य है, ध्यान दीजिए, यहाँ सूर्य है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु ये आपका 21 मार्च बताया गया है, और शरद ऋतु जो है आपका 23 सितंबर यानी बसंत ऋतु ये आपका हो जाएगा 21 मार्च और 23 दिसंबर। यहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी आयान जो होते हैं आपके 22 दिसंबर को होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ही ग्रीष्म ऋतु होती है। तो जिस तरह आपके आधे भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है उस तरह को यह पिक्चर दर्शा रही है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु तब होगी जब उसकी जो प्रकाश जब होता है यहाँ पे उत्तर आयान के यानी 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। तो इस डायग्राम पे यह आपके सूर्य जिस तरह प्रकाश जिस फेस पे पड़ेगा उधर आपका हो जाएगा धूप, जिस पृथ्वी के जिस सतह पर सूर्य की प्रकाश होती है उधर होता है आपका दिन, और आधे भाग पे नहीं पड़ता है तो उधर होती है रात। तो इस तरह से ऋतुआँ भी जो है, ऋतु जो है बदलते रहते हैं। चार वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन होता है, जैसा कि जिसमें वह वर्ष 366 दिन होता है तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में
फरवरी माह जो होते हैं आपका 28 नहीं 29 दिन के होते हैं। आप पता लगाइए कि अगर अगला लीप वर्ष कब होगा तो आपके 3.3 से चित्र से यह आपका स्पष्ट हो जाते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी सर्दी वसंत एवं ऋतु में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। तो इस पॉइंट को आप देख लीजिए। आगे अब हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट पे। चित्र 3.3 में देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, अभी आपको हमने बताया है 3.3 वाले पिक्चर जो है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य के किरण जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और सीधी पड़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में जो होता है ऊष्मा अत्यधिक पर अधिक प्राप्त होती है। जब अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव जो होता है वह सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो जिस भाग में आपकी जो रोशनी जा रही प्रकाश जा रही है यानी विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में तो वहाँ का मौसम जो होगा वह गर्मी होगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग उत्तर आयाम बोलते हैं जैसा कि 3.3 चित्र में आपको बताएं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें जो होता है मकर रेखा के लंबवत पड़ती है और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश पड़ता है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म होती है। ठीक उसी के विपरीत यानी उसके जस्ट उल्टा उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी के इस अवस्था को हम लोग दक्षिणी अन्यात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 21 मार्च ध्यान दीजिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे हम विषुवत कहते हैं, विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ये सब आप पॉइंट को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी को घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो किसके कारण सब हो रहा है आपको पता चल रहा है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। तो अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करते, एक आपका घूर्णन काल हो गया और एक आपका परिक्रमण काल हो गया। और पृथ्वी के घूर्णन काल और परिक्रमण काल के द्वारा ही पृथ्वी पर दिन और रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे और यहाँ पर सभी पॉइंट जो है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लाइन को सुनने की कोशिश कीजिए कि एक ही दिशा में पृथ्वी की झुकाव को समझने के लिए मैदान का एक बहुत बड़ा दीर्घ वृत्त बनाते हैं हम लोग और छड़ी लगा हुआ है। एक झंडा ले दीर्घ वृत्त वाले रेखा पर कहीं भी खड़े कर दीजिए। वहाँ से स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से से किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाए। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु को रखने दीजिए और इसी प्रकार पर पृथ्वी का अक्ष जो होता है हमेशा एक ही स्थिति में झुका रहता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष की निश्चित दिशा में झुकने वाले कारण ही ऋतु का परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन के
उसके बारे में अभी हम लोग जानें। और इससे पहले आपको बता दें कि फर्स्ट अध्याय और सेकेंड अध्याय और 3.3 जो यहाँ पर आपको बताए, इस डायग्राम को आप समझ गए। तो चलिए आगे जो अब हम लोग हैं, अगले क्लास में हम आपको चौथा चैप्टर के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर आपका था पृथ्वी की गतियाँ, यानी पृथ्वी की गतियाँ के बारे में अभी हम लोग जानें। और पृथ्वी की गतियाँ ही के कारण, पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण ही ऋतु बदलते हैं, ऋतु आते हैं, दिन रात होती है। तो इस तरह से आपका पॉइंट समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले पॉइंट्स में फिर अगले क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज तक इतना ही। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। धन्यवाद।